हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे सीटेट 2022 के साथियों, उम्मीद है कि आप लोग मुझे पहचानते भी होंगे और मेरा चेहरा भूले नहीं होंगे। और साथ ही अब मैं सीटेट के लिए आ गया हूं आप लोगों के बीच में। असल में क्या है कि आप लोगों को पता है कि बहुत से संबंधित राज्यों में सीटेट वर्सेस बीटेट की लड़ाई बिहार में चल रही है, यूपी में चल रही है, झारखंड में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, और इन सब के बीच में आपके केसेस और आपकी बातें जो सीटेट को लेकर के है उसको लेकर के पैरवी करनी पड़ती है और उसको लेकर के मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ। साथ ही आप लोगों के जो सवाल आ रहे थे कि आखिर सीटेट का एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है और कैसे तैयारी, क्या अप्रोच रखें, कि मतलब कितने दिन का टाइम टेबल मान के चलें, तो इन सब के लिए ना ऐसा नहीं है, संबंधित अधिकारियों से बात करने में थोड़ा वक्त लगता है सीबीएसई के, और उसमें भी आपको पता है कि विभाग में बहुत सारे ट्रांसफर अभी हुए हैं, अभी दिसंबर से लेकर मतलब नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक में अभी चल ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए अधिकारी आ रहे हैं, तो आपको पता है पिछली बार भी होता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो साथी मुझे पहले से जानते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे याद ही रखे होंगे, जो साथी पिछली बार किसी कारणवश सीसेट पास नहीं कर पाए थे तो उन्हें तो पता होगा। जो साथी मुझे नहीं जानते हो उनके लिए मैं बताऊं कि सीटेट की जो भी लड़ाइयां हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, चाहे बिहार में बीटेट वर्सेस सीटेट है या फिर झारखंड में है सीटेट वर्सेस झारखंड टेट, या फिर राजस्थान का है या फिर यूपी का है, जहां भी सीटेट की आवाज़ है वहां पे हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं और उसी आंदोलन के एक पीस मेकर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मानना है। तो ये जो है ये आप लोग शायद मुझे जान गए होंगे, अब मुझे समझ गए होंगे कि बहुत सारे, और इसी केसेस के पैरवीज में हमको थोड़ा सा इंतज़ार था और उसमें लगातार काम भी लगा रहता है तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। फाइनली अब मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं, लेकिन इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक निवेदन, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई सीटेट वाली हर राज्य में लड़ते लड़ते तो मतलब मत पूछिए, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है कि ये मुद्दा उठ चुका है कि बीएड से, और हाई कोर्ट्स में भी आ गया है कि बीएड को सीटेट से बाहर कर दे जाए नीचे वाले से। साथ ही अब बहुत सारे राज्यों में आपको पता है बीटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई चल रही है, जहां पे मतलब ये चाहा जा रहा है कि बीटेट ही रखा जाए और सीटेट को बाहर कर दिया जाए बहुत सारे राज्य। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार जैसे राज्य, यूपी जैसे राज्य या फिर झारखंड जैसे राज्य, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो टेट का एग्जाम टाइम से करा नहीं पाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए, बच्चे ऐसा चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आप या तो एग्ज़ाम टाइम से हर साल कंडक्ट कराइए, किसी को शौक थोड़ी लगाए अगर आप टाइम से कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम तो कोई सीटेट क्यों करेगा, आपके राज्य का एग्ज़ाम पास कर लेगा। दो साल तीन साल तक आप लोग बीटेट कराएंगे नहीं, सीटेट अपने राज्यों के टेट एग्ज़ाम नहीं कराएंगे और फिर आप कहेंगे कि सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अच्छा नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए अब बात कर लेते हैं सीटेट के। और एक बात समझिए कि सीटेट में जब भी किसी राज्य में ये बात आती है ना कि सीटेट को बाहर करना है, तो उस वक्त थोड़ा सा हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि फिर उस राज्य की लीगल प्रोसीजिंग जो भी देखने होते हैं ये सारी चीज़ों में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए टाइम से कई बार थोड़ा सा विलंब हो जाता है, लेकिन जब भी आएंगे आप लोगों के लिए आपके काम की जानकारी और आपका एक भाई बनकर ही आएंगे। चलिए बात करते हैं, देखिए सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, पहले आप ये समझिए कि 3 तारीख तक तो आपका करेक्शन हुआ है, कभी भी 2 महीने से 45 दिन से कम में आपको उसके बाद एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो जो लोग भी दिसंबर में कह रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में कि ये है सीटेट एग्ज़ाम जो है 2022 का है, तो लोगों को लग रहा है कि 22 में ही एग्ज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है, कई बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये भी जाएगा, क्योंकि कम से कम मिनिमम 45 दिन से नीचे में तो होगा ही नहीं, आपको टाइम उतना मिल जाता है। अभी जो संबंधित अधिकारियों से बात की है तो वो 60 दिन लगभग लेकर के चल रहा है, अभी डेट उसको लेकर के एक मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट फ्राइडे को, तो उस मीटिंग में क्या निकल के आता है, फिर संबंधित अधिकारियों में से कोई अगर बात करेगा तब आपको मैं एग्जैक्ट दे पाऊंगा कि मतलब कब होने वाला है, आपका एग्जाम कब होगा, इस बीच में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मान के चलिए फिर भी 45 से 60 दिन इससे कम का कोई चांस नहीं है, आज की डेट से भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि इतना मान के चलिए, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा कर सकते हैं, इतना टाइम आप मान के चलिए कि आपके पास इतना टाइम है, मिनिमम 45 डेज कहीं नहीं जा रहा, जो लोग भी कह रहे हैं कि इस साल हो जाएगा संभावना बहुत कम है, कोई क्योंकि अभी तो विभाग ने खुद ही अपना टेंडर तक प्रस्तुति मतलब ये नहीं किया, मतलब अभी तो मतलब पेपर कमेटी अपना काम करेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं,
ये भी इन पे भी अभी बनी नहीं है, कमेटियाँ नहीं बनी है, आपका पेपर जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पिछली बार बहुत सारी चीज़ें आ गई थी एग्ज़ाम में जो आप लोगों को पता है, तो उसको लेकर क्वेश्चन थोड़े बहुत ज़्यादा गलत टाइप हो गए थे। फिर उसके आंसर की में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ गई थी, जिसको लेकर के बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, बहुत सारे पत्र लिखने पड़े थे, RTI फाइल करना पड़ा था। तो इन सब चीज़ों की जो गड़बड़ियाँ हुई थी ना, इसे भी रोकने के लिए इस बार पेपर और उसके उत्तर पुस्तिका पर भी विशेष कार्य करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं CBSE चेयरमैन के द्वारा। आपको मैं वो चाहूं तो दिखा दूं, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल है तो इसलिए आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसी चीजें हुई हैं क्योंकि पिछली बार काफी नुकसान हो गया था सीटेट वालों का। बहुत सारे बच्चे एक नंबर से गलत, जबकि दो आंसर की में एक ही क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आ गए थे। अब उसमें बताइए किसी का सही हो गया, किसी का गलत हो गया। तो ये सारी गलतियां पिछली बार हो गई थी, तो जिसको लेकर के इस बार रेक्टिफाई करके एक स्पेशल दिया गया है, ऑर्डर दिया गया कि ऐसी चीजें ना हो, इंस्ट्रक्शंस भेजे गए। तो इन सब में अभी पेपर बिल्डिंग में, फिर उसका आंसर प्रॉपर हर जगह एक ही हो, ये सब कुछ तैयारी करने में अभी वक्त लगने वाला है, और वैसे भी 45 दिन से कम में होता नहीं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 3 के बाद से आपका जो एग्ज़ाम है वो थर्ड वीक जनवरी या फिर फरवरी तक जा सकता है, जनवरी के लास्ट या फरवरी तक जा सकता है, आप समझ लीजिए। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ समझिए कि अब थोड़ा सा आप लोग भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि सीटेट में भी अब मेरिट लगने लगी है अब बहुत सारे राज्यों में, और जितने अच्छे स्कोर आप करते हैं उसी हिसाब से आपका आकलन होता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य अपने टेट को थोड़ा सा वरीयता दे रहे हैं। इसको लेकर के मुकदमे चल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी ये केस ख़त्म हो और आप लोग जीतें और सबको एक बराबर मौका मिले, लेकिन बहुत सारे राज्य अपने राज्य के टेट एग्ज़ाम को थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा मार्क्स देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है मेरिट में करने की बात करें तो आप लोग, ये तो हम लड़ाई करेंगे, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। बाकी इस संबंध में आप लोगों को कुछ अच्छे गाइड के लिए हम आपके जो बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे आपकी बात जल्दी ही करा देंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेकर के। वो यूट्यूब पे आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे, आप चैनल पे बने रहिए। लेकिन फिलहाल आप जो है 45 से 60 दिन का इंतज़ार कीजिए, इतना टाइम है, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता हूँ, प्रणाम।